सरकारी नौकरी में है तो पिंकी का रिश्ता तय हो गया, तो ज्वाइनिंग हो गया है, फिर तो ठीक है। अच्छा सुनो, पापा से बोलना इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, जाकर लड़के का कार्ड वार्ड अच्छे से चेक कर ले, सत्ता भी तय करेंगे, मेरी तरह नहीं बस ज्वाइनिंग लेटर देख के। यगुआ लोग क्या बोलेगा, उनकी बेटी है कि तुम्हारी बेटी है? अरे माँ, अब मुझे ही देख लो, सरकारी नौकरी बोल के कोचिंग मास्टर के हाथ पकड़ा दिए, वही तो हम कह रहे हैं, बताओ। अरे इधर, हाँ हाँ बढ़िया, ठीक है। अरे हाँ हाँ, देखो अच्छे से। अरे सुनिए, शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा, मार्केट जाना है मुझे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे घनत्व के बारे में, डेंसिटी। डेंसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे काम करता है, क्यों आखिर समुद्र के पानी में तैरना नदी में तैरने से ज़्यादा आसान महसूस कराता है, वो होता है डेंसिटी के कारण। समुद्र में कम डेंसिटी वाला चीज़ या हम खुद जाते हैं जिसका डेंसिटी समुद्र के पानी से कम होता है तो समुद्र उसे नहीं डुबाता। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। ये ग्लास है और इसमें नॉर्मल पीने वाला पानी हम डाल रहे हैं। अब इसमें जब इस पानी के घनत्व से ज्यादा इस अंडे को डालेंगे तो ये अंडा जो है डूब चुका है, ये अंडा डूब गया है और ये डूब जाएगा। अब इसी चीज को, इसी पानी को समुद्र के पानी की तरह मिलाने के लिए इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद जब हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि नमक जो है हमारा पानी में बिल्कुल मिल जाए, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अब जब हम उसी अंडे को इस खारे पानी में, डेंसिटी वाले पानी में डालेंगे तो देखो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये अंडा जो है इसके सतह से ऊपर है, तो इससे हम साफ और सीधे तरीके में समझ सकते हैं कि समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान क्यों होता है। अब कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं जो अगले क्लास में। क्या कर रहे हो जी तुम? तुमसे ज्यादा तुम्हारा फोन पड़ रहा है। सर वो क्या है ना, हम सोचे घर जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। काहे सोचे, यहाँ पे हो तो यहाँ ध्यान दो, लिखो। तो डेंसिटी के बारे में आज हम समझ गए। कविता जी, कविता हाँ, जी बोलिए। फैन कब लग गया? कल ही तो लगवाए। ओ अच्छा, मतलब हमारे पॉकेट से जो पैसा आजकल गायब हो रहा है यही सब इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पैसों से नहीं लगवाया है ये मेरे भाई ने भिजवाया है, और ये कोई ऐसा वैसा फैन नहीं है, एटमबर्ग का स्मार्ट फैन है, और पता है इसका ब्रशलेस डीसी मोटर 1 साल में 1500 तक बिजली बचाता है, और देखिए तो इसमें LED लगी हुई है जिससे ये पता चलता है कि ये कितने नंबर पे चल रहा है। स्मार्ट तो है, क्या जरूरत थी भाई से मंगाने का, कुछ दिन रुक जाते, हम आपके लिए खरीद लाते। आती हूँ। वैसे ठीक ही किया लगवा के, बढ़िया लग रहा है। ओके गूगल, टर्न ऑफ द फैन। देखिए, अरे ये भी सिस्टम है। हाँ जी। अच्छा हम नीचे इंतजार करते हैं, आप आइए थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ, बस हम आ
आते हैं आप चलिए। गोलगप्पा खाना है हाँ। तो ठीक है उतर के चलिए ना, हम गाड़ी लेकर आते हैं। दिक्कत होगा, बढ़िया गाड़ी यहाँ पे सेफ रहेगा। जानती है मैडम, यहाँ भर में जितना भी ठेला मिलेगा ना आपको गोलगप्पा का, सब चुट्टा सब कहता है कि हम 20 का 6 खिलाते हैं। बताइए 20 का 6 मतलब कितना? 10 का 3। लेकिन हमारा देखिए, हम 10 का 4 खिलाते हैं, जो है वही बताते हैं। टेस्ट तो आप देख ही रहे हैं भैया, टेस्टी तो है। मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। अरे जोगिंदर तुम, अरे शराब, खुश रहो खुश रहो। कविता जी मिलिए इनसे, ये हमारे यहाँ पुराने स्टूडेंट जोगिंदर, सारा भाई जोगिंदर। अच्छा तो फिर तो 10 का 5 खाएंगे भैया हम। अरे मैडम आप 5 खाइए 50 खाइए, गिनती मत कीजिए, लेकिन बस खाते जाइए। सुनीता जी ये जोगिंदर बाबू जो हैं पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली थे। कोनो फायदा नहीं हुआ सर प्रतिभाशाली होने का, ग्रेजुएशन कर लिए लेकिन अभी तक एगो सरकारी नौकरी हाथ नहीं लगा। हमको तो लगता है कि सरकारी नौकरी पर सरकार ही कुंडली मार कर बैठी, जो भर्ती निकालती है वो भर्ती नहीं है, जो भर्ती है वो निकालती नहीं। अरे ऐसा थोड़ी है, तो हम ही को देखिए भाई, हमारा मिडिल स्कूल वाला ज्वाइनिंग हुआ पड़ा है, बस वो ज्वाइन लेटर आने वाला है, आ ही जाएगा। पता है मैडम आपको ये बात ही आज से नहीं कह रहे हैं, जब से हम इनके यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ना तब से यही बात हमको ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। वो अलग बात है कि अभी तक आया नहीं है। देखो बात कहें सर, अगर किस्मत खराब होना तो मास्टर क्या, हेड मास्टर भी बन जाइएगा ना, तो गोलगप्पा तो बेचना ही पड़ेगा सर। अरे तीखा बनाइए भैया, किस्मत तो हमारा खराब हो गया है इनसे शादी करके। पता है उसी नौकरी के झांसे में तो इनसे शादी हुई है हमारी। कितना दहेज लेकर आए थे सरकारी नौकरी के नाम पर, लेकिन कविता जी क्या जरूरत थी उसके सामने आंसू बहाने की, ये ठीक बात थोड़ी है। मेरा दुख ना इस दुनिया में सब समझते हैं, बस आप ही एक हैं जो मेरी परवाह नहीं करते। ऐसे थोड़ी होता है, हम मानते हैं कि हम छोटा मोटा क्लास में भी पढ़ाते हैं और हमारी तैयारी अभी भी जारी है, लेकिन ले दे के खर्चा तो हम ही चला रहे हैं ना। कविता जी हम बेरोजगार हैं पर जिम्मेवार हैं। हाँ क्या ले दे के चला लेते हैं आप खर्चा? नहीं क्या ले दे के चलाते हैं आप? जितना आप एक महीने में कमाते हैं ना उतना तो हमारा भाई बर्गर और पिज्जा में खा जाता है। बिजली का बिल तो टाइम पे दे नहीं पाते हैं, बात करते हैं, अब शक्ल क्या देख रहे हैं? चलिए चलिए चल चल रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी आपने इसके पहले नहीं ट्राई की होगी, इस बात की शर्त लगाती हूँ मैं। आज की ये मेरी स्पेशल पनीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये सब्जी आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं।
पनीर की बेहतरीन सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन में हम तेल गरम करेंगे। हमें इसमें प्याज को डीप फ्राई करना है, इसलिए तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। तो जैसे हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें प्याज को तल के निकाल लेना है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, एक प्याज डाल के देखिए। कविता जी, क्योंकि हमें प्याज को क्रिस्पी करना है। कविता जी, तो जैसे ही तेल अच्छे क्या है, हम इसमें तीन कॉफी चेक कर रहे थे, एक कप चाय मिल जाता तो मजा आ जाता। मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस काटे हैं। खाना बना रही हूँ अभी, इससे मेहनत भी कम। सीधे खाना खाइए। अरे कविता जी, फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं और फिजिक्स की कॉपी चेक करने में एनर्जी लगती है। फिजिक्स से घर नहीं चलता है मिश्रा जी, इकोनॉमिक्स से चलता है। तो क्या चाहती हैं कविता जी, फिजिक्स छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दे क्या? सही है बात है। सही बात है नहीं, क्या सही बात है? हम कभी गलत बोलते हैं क्या? अरे नाना, आप कहाँ गलत बोलती हैं, बिल्कुल नहीं। कविता जी, आपकी यही अदा हमको शुरू से अच्छी लगती है। और आप ना उबलती चाय की तरह हैं, जितने उबलती है उतने मीठी लगती है। और कविता जी, आपको तो पता ही है कि हमको मीठी चाय कितनी अच्छी लगती है। बस बस बस, ज्यादा मस्का मत लगाइए, चाय पीजिए। और चाय जितना उबलती है उतना जलती भी है, और जल जल के खत्म हो जाती है। लीजिए, चाहिए। चाय बहुत मीठी है। मीठी आपको बहुत पसंद है। राघव, कभी कभी अपनी जिंदगी कितनी अजीब लगने लगती है ना। तुम उदास क्यों हो रहे हो भाई जी, जिंदगी है, तार चढ़ाव तो आते रहते हैं। चढ़ाव? मेरी जिंदगी में चढ़ाव कहाँ है राघव बाबू, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ उतार ही उतार। डीसी बैटरी पर टिकी है मेरी जिंदगी। और ये बैटरी ना हमेशा डिस्चार्ज होते रहते हैं। लेकिन इसमें भी माइनस प्लस होता है मेरे भाई। माइनस प्लस? मैं ना ही एक अच्छा स्टूडेंट बन पाया राघव, ना ही एक अच्छा टीचर और ना ही एक अच्छा पति। और अब तो लगता है कि एक अच्छा बाप बनना भी मेरे किस्मत में नहीं है शायद। देखना भाई, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट भी आ गया, पर साला ज्वाइनिंग फिर भी नहीं हुई। अब इसको किस्मत का खराब होना नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे राघव? तू उदास मत हो मेरे भाई, जिंदगी के रास्ते में ना कई दरवाजे होते हैं, और जब एक दरवाजा बंद हो जाता है ना तो दूसरा खुलता है। होगा होगा, लगे रहो। कविता जी, उठिए, हम कोचिंग जा रहे हैं। अच्छा रुकिए, चाय बना देती हूँ। कविता जी, चाय बना दी है, हम पी लिए हैं, आपके लिए किचन रख दिए। अब फटाफट चाय पीजिए और गेट बंद कर दीजिए। जाइए, करती हूँ। इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं। लोग हैं? क्या देख रही हो तुम? लोग। और अब जब हम उसी अंडे को इस खारे पानी में, डेंसिटी वाले पानी में डालेंगे,
और अब जब हम उसी अंडे को इस खारे पानी में डेंसिटी वाले पानी में और अब जब हम उसी अंडे को इस खारे पानी और अब जब हम उसी अंडे को अरे मिश्रा जी अब इंटरनेट पे वायरल हो गए हैं, पता था हमें बताए नहीं। अरे आ रहे हैं, आएंगे तो सब कुछ बताते। अरे आइए जल्दी आइए। हाँ 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 ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी पता है आपको ये ना इंटरनेट पे वायरल हो गए हैं। अरे कविता जी आज पूछिए नहीं हम कितने खुश हैं। हमें तो पता ही नहीं था इंटरनेट में इतनी ताकत है। सुबह से एक वीडियो चल रहा है और पूरे हर जगह पे कॉलेज में इंस्टीट्यूट्स में हर जगह हमारा ही वीडियो चल रहा है कविता तो, जी। हाँ, देखा मैंने आपका वीडियो, उससे कुछ नहीं होता। नहीं नहीं आप समझ नहीं रही है, सुबह से कॉल मैसेज आ रहा है और यहाँ तक कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ना हमें पढ़ाने के लिए ऑफर कर रहे हैं कविता जी। हाँ तो किसी सरकारी नौकरी का ऑफर है क्या? नहीं सरकारी का तो नहीं है। तो फिर क्या फायदा? छोड़िए यार। अरे रुकिए तो। ये मेरी पहली क्लास है और यकीन मानिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्लास है। इसलिए मैं आप सबों से एक लर्निंग शेयर करना चाहता हूं। लर्निंग ये कि आपको जिंदगी में जो करना हो वो आप सब कीजिए, जो आपका इंटरेस्ट है उसको कभी नहीं छोड़ना है। आप अपने इंटरेस्ट को हुनर बनाइए, निकालिए, ढूंढिए आपका इंटरेस्ट क्या है, उसको हुनर बनाइए और यकीन मानिए जब आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में थक गए हैं, हार गए हैं, टूट गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, तो आपका यही इंटरेस्ट, आपका यही हुनर आपके लिए ताकत बन जाएगा। तो ये रही हमारी वीडियो, आई होप आप सबों को अच्छी लगी होगी। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एटोमबर्ग फैन, जो काफ़ी स्मार्ट है, वॉइस असिस्टेंट और रिमोट से चलता है और एलईडी लाइट है और इसमें स्लीप टाइमर बूस्ट के मोड मिल जाते हैं। अक्रॉस इंडिया इनके 400 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और 2+1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा स्मार्ट फैन है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, बेल आइकन दबा देना है, नया है तो शेयर कर दीजिए और फेसबुक पेज पे हम लोग एक्चुअली बहुत नए हैं तो वहाँ पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए वायल का। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।